विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, जिसका प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें मतदान कार्मिकों को रवानगी के दिन से लेकर के पोलिंग डे और पोलिंग डे की शाम को लौटने तक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोलिंग डे के दिन मॉक पोलिंग कैसे करानी है, जो कि 50 वोट का कराना है, तथा ईवीएम मशीन के संचालन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है और मतों के लेखा की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान हो जाने के बाद मशीन को किस तरह से बंद करना है, जिससे कि कोई मत उसमें ना पड़े, यह भी बताया जा रहा है, और साथ ही मशीन के साथ कौन कौन सा पेपर देना है यह भी बताया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, काम कराने से पहले आपके थैले में मार्क पोल सर्टिफिकेट है, वो अति इम्पोर्टेंट आइटम है, पीठासीन अधिकारी उसको निकाले और निकाल करके उनको इसी टेबल पर बैठना है। जिसको भी समझिए, पीओ फर्स्ट को या सेकंड को, जो भी तेज तर्रार हो, ठीक ठाक हो, उनको वहां लगाइए और उनके साथ जितने लड़ाई वो डलवाना है तो वहां पर वो एजेंट खड़ा कैसे होंगे, उनको खड़ा होने का तरीका यह है, जैसे मैं ही पीओ फर्स्ट माने तो मैं खड़ा हो जाऊंगा इधर और उनकी लाइन ऐसे लगवा देंगे। जितने एजेंट आए हैं, मान लीजिए 5 आ गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लग गया, कि कोई जरूर नहीं कि उसी क्रम में लगे जिस क्रम में प्रत्याशी हैं, जैसे भी चाहे 5 को खड़ा कर दिया, उनको 1 by 1 कहिए कि आइए आप वोट डालिए, तो यहाँ वो आएगा, एक वोट डालेगा, फिर ये पीछे चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा वोट डालेगा, वो पीछे चला जाएगा, तो इस तरह आपकी साइकिल तब तक चलते रहेगी जब तक कि कुल 50 वोट न पड़ जाए। मार्क पोल के दौरान कम से कम कितने वोट डालने का निर्देश है? 50, उससे कम नहीं अनुमान है, तो 50 वोट डलवाने ये तरीका। और इनको सुबह ही समझा दीजिए, जब नियुक्ति कर दिए हैं तो इनको समझा दीजिए इनका ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी है कि जो यहाँ मतदाता आएंगे उनके पहचान में मेरी जरूरत के मुताबिक आप सहयोग करेंगे, अनावश्यक बर्डन खड़ा नहीं करेंगे। जैसे मैं वहां बोला, पहले पीओ फर्स्ट साहब बोले 25 रामलाल, तो उस वो अगर मतदाता आप समझते हैं कि निश्चित रूप से वो नहीं है, गलत है, तब आप चैलेंज करिए उसको कि हाँ ये गलत है, लेकिन वो सही हो और अनावश्यक कोई विरोध नहीं पैदा करना है, तो इनको इनकी ड्यूटी समझा दीजिए। और ये यदि दिन भर जो वास्तविक पोलिंग हो रहा है उसके दौरान ये आप ही कर देते हैं जिससे आपकी मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, तो इनका एजेंसी आप निरस्त भी कर सकते हैं, पावर है, और इनको बाहर कर दीजिए। एक समय पर या तो प्रत्याशी यहाँ बैठता है या उसका एजेंट बैठता है, इन दोनों में से दोनों नहीं बैठ सकते, या दो एजेंट की कम अधिक से अधिक दो एजेंट की नियुक्ति करनी है एक प्रत्याशी के पद, तो वो दोनों नहीं बैठेंगे एट ए टाइम, कोई एक ही होगा। कौन कौन हो सकता है? या तो प्रत्याशी खुद होगा या उसका एक इलेक्शन एजेंट होता है। पूरे निर्वाचन में 3 टाइप के एजेंट होते हैं, एक जिस दिन प्रत्याशी घोषित होता है वो उसी दिन अपना प्रारूप 8 में खुद का इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर देता है, तो उसका काम क्या रहता है, पूरा निर्वाचन पर ढेर सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम प्रत्याशी की ओर से करना कराना होता है, तो सब वही देखता है, क्योंकि प्रत्याशी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता है। पोलिंग डे को जो आता है वो पोलिंग एजेंट है, वो प्रारूप 10 में नियुक्ति उसकी होती है, और उस वो किसके सिग्नेचर से नियुक्ति होती है, या तो प्रत्याशी के सिग्नेचर से हुआ होगा, जिनका डेट और उसी वही टाइम बताता है जो जिस समय लगा है। कुल हमारा सेट 16 लोगों का है, अगर मान लीजिए 7 चुनाव लड़ रहे हैं 7 लोगों का होगा, टोटल पोल डोर उसमें कितना दिखा रहा है, 6 है, तो मान लीजिए सुबह आपने टोटल दबाया, तो याद रखिए एक चीज, कोई भी पोलिंग हो, चाहे वो मार्क पोलिंग हो या रियल पोलिंग हो, वो जीरो से ही शुरू होता है, प्रोसेस ने क्या दिखाया, तो क्या इससे आगे आप मार्क पोल करा पाएंगे, नहीं, तो पहले इसे जीरो में ले आएंगे, जीरो मतलब क्लियर तक जाना होगा, तो अब आप तुरंत इसमें, और ये खुला रहता है सुबह, ये सील्ड नहीं रहता, सुबह खुला रहता है, यहाँ तक सीलिंग करके आपको मिला हुआ। मैं मनोज कुमार गुप्ता, DLMT गोरखपुर। कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय के नोटिफिकेशन के बाद एवं उनके द्वारा कार्मिकों के फंड फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद उनकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। उन्हीं कार्मिकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ जुबली इंटर कॉलेज में विभिन्न 26 कमरों में चलाए जा रहे हैं, जहाँ हर कमरे में मास्टर ट्रेनर हैं। वहाँ पर मतदान कार्मिक जो पहुँच रहे हैं उनको पूरा रवानगी के दिन से लेकर के पोलिंग डे और पोलिंग डे की शाम को जब वापस लौटते हैं तो सारा समग्र प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। प्रशिक्षण मुख्य रूप से पोलिंग डे के दिन सुबह मॉक पोलिंग कैसे करानी है, जो 50 वोट का करना कराना है उसके बारे में विधिवत ईवीएम की जानकारी दी जा रही है, ईवीएम से पोलिंग का प्रोसेस समझाया जा रहा है। उसके बाद उनको सब सामान्य जानकारी दी जा रही है, वहाँ पर जितने फार्मेट हैं जथा पीठासीन अधिकारी की डायरी, फिर 17C मतों का लेखा और मतदान प्रारंभ करने की घोषणा कैसे करनी है, मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे जनरेट की जाती है, ये सारी चीज़ों का उनको विस्तृत जानकारी देते हुए और फिर शाम को जब मतदान हो जाएगा तो हमारी मतदान मशीन में क्लोजिंग कर दिया जाता है और उसके बाद कोई मत उसमें नहीं पड़ता है। फिर वो डिसकनेक्ट इत्यादि करके अपने कैरेज केसेस में सील कर दिए जाते हैं। फिर उस मशीन के साथ कौन कौन दस्तावेज देने हैं इसका विस्तृत अध्ययन और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिर उसके अलावा चार जो पैकेट बनता है, संविधानिक पैकेट, असंविधानिक पैकेट, तीसरा पैकेट और चौथा पैकेट, इस रूप में सारा काम ये बूथ पर ही संपन्न कराएंगे लोग। और उसके बाद वापस लौट के जब आएंगे तो अपने संबंधित आरओ टेबल को वो विधिवत सौंप के चले जाएंगे। जब जाते हैं रवानगी के दिन तो अनक्लासिफाइड वे में सब सामग्री मिलती है इनको, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं आरओ टेबल पर तो सारी सामग्री क्लासिफाइड वे में वहाँ इकट्ठा जमा करते हैं और रिसीविंग लेकर के अपने अपने घरों को चले जाते हैं।